दोस्तों, कामरान डेयरी फार्म यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं हमारे गांव के जो डॉक्टर है जो एआई करते हैं, तो वो एबीएस में लगभग 5 साल से काम करते हैं और गांव में हर एक जगह पे एबीएस का सीमेंट भी लगाया है, तो कैसा रिजल्ट है और कैसी बछड़िया है। आज हम उनके फार्म पे है तो हम बात करेंगे। सर, अभी आपको एबीएस का सीमेंट रखने के बाद कैसा लगता है? एबीएस का सीमेंट रखने से हमको बहुत अच्छा लगा। आप देख सकते हैं ये एबीएस की ब्रूट है, उसके ऊपर हैमर का सीमेंट लगा हुआ है। एबीएस के ऊपर हैमर लगा है और अभी ये फर्स्ट लेग, अभी जीरो वेटर है ये। एक महीने में बच्चा देगी। और आप एबीएस में कौन सी जगह काम करते हो और उसका रिजल्ट? हम एबीएस में सभी जगह काम करते हैं। आप देख सकते हैं इसका आर्डर का ग्रोथ देख सकते हैं, ये साइज देख सकते हैं। ये क्वालिटी हम पहले पंजाब से गाय ला रहे थे, उसमें भी ऐसी क्वालिटी नहीं आ रही थी और हमने ब्रीडिंग पे काम करना शुरू किया 5-6 बरस से और आपके सामने ये रिजल्ट। लगभग अभी आपके जो गांव है उसमें अभी एबीएस की कितनी बछड़ी होगी? 60-70 नंग अभी एबीएस की बछड़ियों की, 50-60 बछड़ी हो गई सर। और अभी आपके फार्म पे कितनी है? हमारे फार्म पे अभी 60। और आज सुबह जो गाय का काल्विंग हुआ सर, वो एबीएस की स्पाइक की वो अभी एक बछड़ी आई हुई है, आप देख सकते हैं उसका भी हम आपको दिखाएंगे। उसका रिजल्ट काफ़ी बढ़िया आया है, बहुत अच्छी रैली आई है। तो उस हिसाब से एबीएस का सीमेंट रखना चाहिए या कोई और सीमेंट आपको जो पसंद है? नहीं, एबीएस का सीमेंट रखना चाहिए मेरे हिसाब से, और तो अच्छा परफॉर्मेंस भी देती है। तो आप बताएंगे दूसरी बछड़िया सर? हाँ, हम देख सकते हैं ये एबीएस की फॉर्चून की 1 मंथ की काम है। और ये सर, ये एबीएस का रेडू बुल से ये पाड़ी हमारे पास अभी खड़ी हुई है 11 महीने की। इसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट भी है सर। स्ट्राइकर है ये एबीएस की, स्ट्राइकर। हाँ, ये WWS की मैक्सप्ली है, वर्ल्ड वाइड चायर की मैक्सप्ली। हाँ, ये एबीएस की फ्रीडम है, ये एबीएस की फ्रीडम। हाँ, ये एबीएस की फायर है,